नमस्कार, मैं हूं विश्वेश तिवारी और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं ऑनली न्यूज नेशन पर। खबर जुड़ी हुई आ रही है एलन मस्क से। जी हां, एलन मस्क जो दुनिया के सबसे अमीर आदमियों में शुमार हैं, नई टेक्नोलॉजी को बढ़ावा देने के लिए वो हमेशा सबसे आगे रहते हैं। मस्क भविष्य की टेक्नोलॉजी का निर्माण करने में विश्वास रखते हैं। अब उनकी टेस्ला ऑटो पायलट कार मंगल ग्रह पर लोगों को ले जाने का प्रोजेक्ट इस बात का सीधा प्रमाण है। मस्क ने बीते दिनों एक एआई इवेंट में अपने ह्यूमनॉइड रॉबोट को लॉन्च कर दिया है, दिया दुनिया को चौंका दिया है इस लॉन्च से। मस्क ने दो लोगों के पार्टनर की कमी पूरी करने के लिए इस ह्यूमनॉइड रोबोट को लॉन्च किया है। अमेरिका के अरबपति बिजनेसमैन ने कहा कि रोबोट बिजनेस उनके कार व्यवसाय की तुलना में ज्यादा सफल होगा। मस्क ने जो ह्यूमनॉइड रोबोट ऑप्टिमस लॉन्च किया है वो काफी एडवांस है। ये रोबोट इंसानों की तरह सारे काम कर सकेगा। जी हाँ, आपके सारे काम ये रोबोट कर सकेगा। मीडिया रिपोर्ट्स में यह भी दावा किया गया है कि आने वाले समय में यह रोबोट सिर्फ घर के काम ही नहीं करेगा बल्कि पार्टनर के रूप में भी इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। जी हाँ, अपने अकेलेपन को भी इंसान अब इस रोबोट के द्वारा दूर कर पाएंगे। यकीन नहीं होता ना, तो चलिए आपको अपनी इस खबर में मस्क का ये नया लॉन्च दिखाते हैं, ये नया अवतार दिखाते हैं। तो सबसे पहले आप सभी से अनुरोध करते हैं कि खबर पसंद आए तो खबर पर लाइक शेयर तो करिएगा ही, एलन मस्क के इस आविष्कार पर अपनी राय अपनी प्रतिक्रिया जरूर रखिएगा। कैसे काम करेगा ये एलन मस्क द्वारा लॉन्च किया हुआ रोबोट, चलिए दिखाते हैं आपको। एलन मस्क के मुताबिक शुरुआत में ऑप्टिमस उबाऊ या खतरनाक काम करेगा, जैसे टेस्ला के कारखानों में चीजों को इधर उधर करना और रिंच के साथ कार के बोल्ट कसना। ह्यूमनॉइड रोबोट फॉर्म एजिलिटी रोबोटिक्स के चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर जोनाथन हर्ट्स ने रॉयटर्स को बताया कि बहुत कुछ ऐसा है जो इंसान आसानी से कर सकते हैं और रोबोट के लिए वह मुश्किल काम होगा। मस्क का कहना है कि भविष्य में इन रोबोट्स को घर के कामों में भी इस्तेमाल किया जा सकेगा, ऐसे में इसका प्रोडक्शन भी जल्द ही शुरू हो सकता है। मस्क के मुताबिक इस रोबोट के लिए जल्द ही सबसे जरूरी पड़ाव आने वाला है। वह ये टेस्ट करने वाले हैं कि क्या वह अप्रत्याशित परिस्थितियों को संभालने में सक्षम है या नहीं। आपको बता दें कि मस्क ने अगस्त 2021 में आयोजित एआई इवेंट में टेस्ला के इस रोबोट का ऐलान किया था। सूत्रों के अनुसार वर्ष 2023 में इसका प्रोडक्शन भी शुरू हो सकता है। ऐसे में मस्क ने इसको लेकर एक वीडियो शेयर किया है सोशल मीडिया पर। मस्क ने जो वीडियो शेयर किया है, चलिए इस वीडियो को भी आपसे साझा करते हैं। ध्यान से देखिए हमारी स्क्रीन पर यह वीडियो। मस्क द्वारा साझा किए गए इस वीडियो में रोबोट के प्रोटोटाइप को स्टेज पर चलते और दर्शकों के सामने हाथ हिलाते साफ देखा जा सकता है। लोगों को एक वीडियो भी दिखाया गया जिसमें रोबोट बॉक्स उठाते, पौधों को पानी देते और इंसानों जैसे करीब करीब ज्यादातर काम करते नजर आ रहे हैं। ऐसे में इस रोबोट की बाजार में लॉन्च होने के बाद कीमत कितनी होगी, चलिए आपको दिखाते हैं। टेस्ला के सीईओ एलन मस्क के ह्यूमनॉइड रोबोट ऑप्टिमस ने स्टेज पर डांस करके भी दिखाया था। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस रोबोट को $20,000 यानी कि करीब 16,33,000 रुपए से कम दाम में बेचा जा सकता है, जो टेस्ला मॉडल वाई इलेक्ट्रॉनिक कार से एक तिहाई से भी कम दाम में है। ऐसे में आपने देखा कि एक बार फिर कैसे एलन मस्क ने एक और कारनामा कर दिखाया और इस कारनामे ने दुनिया भर को चौंका के रख दिया है। एलन मस्क अक्सर ही ऐसे कारनामों के लिए जाने जाते हैं जो कि भविष्य पे टेक्नोलॉजी पर निर्भर ऐसे काम करते हैं जो दुनिया भर को चौंकाता है। ऐसे में मस्क का ये नया ह्यूमनॉइड रोबोट लॉन्च करना मस्क को एक बार फिर दुनिया भर में चर्चा का स्थान दे देता है। इस पूरे खबर पर आप अपनी राय प्रतिक्रिया जरूर रखिएगा। मस्क के इस ह्यूमनॉइड रोबोट के लॉन्च पर अपनी राय प्रतिक्रिया जरूर रखिएगा। इस खबर को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर भी करेगा ताकि एलन मस्क का ये कारनामा ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सके। ऐसे ही खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ ऑनली न्यूज नेशन। धन्यवाद।